सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टू वे स्विच का यूज करके सीरीज लैंप टेस्ट बोर्ड कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, ये सर्किट डायग्राम है, तो मैं इस सर्किट को आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे वर्क कर रही है। दोस्तों, ये जो सर्किट है इसको ITI में प्रोजेक्ट के तौर पे दिया जाता है, इसको सीरीज पैरेलल सर्किट भी बोला जाता है। इसको सीरीज पैरेलल सर्किट क्यों बोला जाता है वो भी मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि टू वे स्विच किसको बोला जाता है। तो दोस्तों, जो टू वे स्विच होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें दोनों साइड में मार्किंग किया होता है जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टू वे स्विच है। अलग अलग कंपनी का ये साइन अलग अलग हो सकता है। और दोस्तों, जो नॉर्मल स्विच होता है उसके अंदर देखिए कोई भी साइन नहीं होता, तो इससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टू वे स्विच है और कौन सा सिंगल वे स्विच है। और दोस्तों, हम लोग देखेंगे इसको पीछे पलट के, तो यहाँ पे देखिए तीन स्लॉट दिए हुए हैं, तो इन तीन स्लॉट को भी हम लोग देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टू वे स्विच है। और जो सिंगल वे स्विच होता है उसके अंदर दो ही स्लॉट होता है, और जो टू वे स्विच होता है उसके अंदर तीन स्लॉट होता है। तो इसको देख करके हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टू वे स्विच है और कौन सा सिंगल वे स्विच है। दोस्तों, टू वे स्विच के ऊपर मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने बताया था कि टू वे स्विच कैसे वर्क करता है और उसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो आप लोग चाहिए तो वो वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आप लोग को वायरिंग कनेक्शन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझा भी दूंगा कि ये सर्किट कैसे वर्क कर रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक बोर्ड है जिसके अंदर मैंने एक सॉकेट को कनेक्ट किया है, एक टू वे स्विच को कनेक्ट किया है और साथ में हम लोग एक होल्डर लगाएंगे। तो इसका मैं आप लोग को वायरिंग कनेक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो जो सीरीज लैंप टेस्ट बोर्ड है उसका मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट कनेक्शन के बारे में बताया है, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोग को इसका कनेक्शन समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो फेज वायर है वो सबसे पहले आके टू वे स्विच में कनेक्ट हुआ है। तो जैसा कि देखिए आप डायग्राम में, मैंने तीन स्लॉट बनाए हुए हैं, तो ये जो तीन स्लॉट से अपने को इजीली आइडेंटिफाई हो जा रहा है ये टू वे स्विच है। तो जो टू वे स्विच है उसके मिडल वाले पार्ट में मैंने फेज को कनेक्ट किया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3-कोर केबल यूज किया है जिसके अंदर फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग है। तो जो फेज है वो सबसे पहले आके कनेक्ट हुआ है हमारे मिडल वाले पार्ट में। तो फेस को टू वे स्विच के मिडल वाले पार्ट में कनेक्ट करने के बाद, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो टू वे स्विच का नीचे वाला पार्ट है उसमें मैंने एक वायर को कनेक्ट किया है, फिर वो जाके सॉकेट में कनेक्ट हुआ है। तो जैसा कि आप लोग सर्किट में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी देखिए मैंने टू वे स्विच के नीचे वाले पार्ट में एक वायर को कनेक्ट किया, फिर सॉकेट के अंदर लाके कनेक्ट कर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों, जो टू वे स्विच का ऊपर वाला पार्ट है वहां से अपने को एक वायर को कनेक्ट करना है और सॉकेट के इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। जैसा कि आप लोग सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने यहां से एक वायर निकाला और यहां पे कनेक्ट कर दिया है। तो उसी प्रकार से सर्किट के अंदर भी हम लोग करेंगे। यहां से देखिए ऊपर वाले पार्ट में मैंने एक वायर को कनेक्ट किया और सॉकेट के इस पॉइंट पे लाके कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों, इसी पॉइंट पे से मैंने एक और वायर को कनेक्ट किया जो कि होल्डर के अंदर गया है। तो जैसा कि आप लोग सर्किट में भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे दो वायर कनेक्टेड है, जो दूसरा वाला वायर है वो हमारे होल्डर के अंदर कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने एक दूसरे वाले वायर को होल्डर के अंदर कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा न्यूट्रल है जो केबल के अंदर आ रहा है वो डायरेक्टली आके होल्डर के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा केबल है उसके अंदर जो न्यूट्रल वायर आया है वो डायरेक्टली मैंने होल्डर के अंदर कनेक्ट कर दिया है। और अर्थिंग दोस्तों जो है उसको भी डायरेक्टली हम लोग सॉकेट के अर्थिंग वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, जहां जहां भी वायर को कनेक्ट किया गया है उसके यहाँ के स्क्रू को प्रॉपर तरीके से टाइट करें, क्योंकि टाइट अगर स्क्रू नहीं रहेगा तो वहां पे हीट जनरेट होगी और वायर जल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को मैं इसको पूरी तरीके से बंद करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है।
थ्री कोर केबल यूज कर रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे अपने को थ्री पिन प्लग को यूज करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्लग का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो राइट हैंड साइड है वहां पे अपने को फेज वायर को कनेक्ट करना है जो अपना रेड कलर का है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है जो कि अपना न्यूट्रल है, और अर्थिंग को ऊपर कनेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से इस प्लग का कनेक्शन करेंगे। सीरीज टेस्टिंग करने के लिए अपने को दो वायर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे कि हम लोग किसी भी इक्विपमेंट को टेस्ट करेंगे। तो उस वायर को कैसे बनाना है दोस्तों, कि अपने को यहाँ पे क्या करना है कि टू पिन प्लग को यूज करना है, उसके अंदर दो वायर को कनेक्ट कर देना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टू पिन प्लग लिया है, उसके अंदर एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से कनेक्शन करना है, और ये जो वायर है इसका जो एंड है वो देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो वायर की इंसुलेशन की जो कोटिंग होती है उसकी कोटिंग को अपने को निकाल देना, उसके थ्रू ही हम लोग सीरीज लैंप को टेस्ट करेंगे। तो इस टू पिन प्लग को मैं कनेक्ट करके आप लोग को टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो होल्डर है वहां पे अपने को लैंप को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों उनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वैट का लैंप यूज किया जाए, तो हम लोग 40 या तो 60 वैट का लैंप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी 40 वैट का लैंप यूज कर रहा हूं। तो इस लैंप को हम लोग यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि दोस्तों देखिए मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया है, और हमने जो ये एक्सटेंशन वाला वायर बनाया था इस वायर के थ्रू हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों टेस्टिंग करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लग को कनेक्ट कर दिया है, तो जब भी हम लोग प्लग को कनेक्ट कर देंगे तो ये जो तो वायर है जो इसके एंड है, इस एंड को गलती से भी टच नहीं करना है, क्योंकि इस एंड को अगर हम लोगों ने टच किया तो अपने को शॉक लग जाएगा। तो जब भी हम लोग इसके अंदर प्लग को कनेक्ट कर दिए होंगे तो अपने को इस वायर को टच नहीं करना है, इससे खाली जिस इक्विपमेंट को टेस्ट करना है खाली उसी को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों टेस्टिंग करने के लिए करना क्या है कि हम लोगों ने जो थ्री पिन प्लग बनाया था उसका जो वायर है जो कि इसके अंदर गया हुआ है, तो उस प्लग को क्या करेंगे, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी उस बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम लोग स्विच को ऑन करेंगे। तो देखिए हमारा लैंप ग्लो हो चुका है। तो इस टू वे स्विच को हम लोग नीचे के साइड कर देंगे तो लैंप ऑफ हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोग को बताया था कि ITI के अंदर इसको सीरीज पैरेलल लैंप टेस्ट बोला जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों बोला जाता है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसा कि देखिए हमारे टू वे स्विच के अंदर जो मिडल वाले पार्ट है वहाँ पे अपना फेज आके कनेक्ट हुआ है, तो जब भी ये ऊपर के साइड रहेगा, जो अपना टू वे स्विच है वो ऊपर के साइड रहेगा, तो यहाँ से करंट होते हुए जाएगा इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट से होते हुए लैंप के पास चला जाएगा। तो न्यूट्रल डायरेक्टली लैंप को मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए फेज प्रेजेंट हो चुका है। तो जो फेज एंड न्यूट्रल दोनों मिलेगा तो लैंप ग्लो होगा। तो जो भी लोड होता है उसको कहा जाता है कि हमारा पैरेलल में कनेक्ट है, तो इस टाइम पे ये पैरेलल जैसा एक्ट करेगा। तो दोस्तों जब भी हम लोग टू वे स्विच को नीचे करते हैं तो क्या होता है कि जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पे फेज आ चुका है, तो स्विच नीचे होने के कारण क्या होगा कि इस पॉइंट तक करंट आ जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पे करंट आ जाएगा, तो यहाँ पे करंट आने के बाद यहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो हमारा लैंप नहीं जलेगा। तो जब भी हम लोग इस वायर को कनेक्ट करेंगे और दोनों वायर को एक दूसरे से टच करेंगे तो क्या होगा कि ये जो करंट है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि हमारा लैंप ग्लो होगा। तो जब भी हम लोग कोई भी इक्विपमेंट को चेक करते हैं, जैसे कोई एक सर्किट है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, तो सर्किट जब भी इनकम्प्लीट रहेगी तो वो करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा, तो हमारा लैंप नहीं ग्लो होगा। लेकिन जब भी सर्किट कंप्लीट है तो वो सीरीज जैसा एक्ट करेगा, मीन्स हमारा जो इक्विपमेंट है और लैंप है वो एक दूसरे के सीरीज में होंगे, इसके लिए इसको सीरीज सर्किट बोला जाता है। तो जब भी ये नीचे के साइड रहेगा वो सीरीज जैसा एक्ट करेगा, और जब भी ऊपर के साइड होगा तो उसको पैरेलल जैसा एक्ट करेगा। इसके लिए दोस्तों इसको सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोला जाता है। तो आप लोग को मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक शोल्डरिंग मशीन टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सीरीज टेस्टिंग करने के लिए करना क्या है कि हम लोगों ने जो टू पिन प्लग बनाया है उसको सॉकेट के अंदर कनेक्ट करना है, लेकिन सॉकेट के अंदर कनेक्ट करने के बाद ये जो हम लोगों ने इंसुलेशन जहां वायर का निकाल दिया है उसको गलती से भी टच नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी दोस्तों देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया, तो जब भी हम लोग इस दो वायर को टच करेंगे एक दूसरे से तो हमारा लैंप ग्लो होगा। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि इस टाइम पे सीरीज ऑन हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक शोल्डरिंग मशीन है, तो उसको चेक करने के लिए नॉर्मली करना क्या है कि जो इसका प्लग होता है उसके प्लग पे एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है और एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो लैंप है वो एकदम डिम जल रहा है।
तो इससे अपने को पता चल गया कि इसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर है। तो इसी प्रकार से हम लोग कई सारे इक्विपमेंट को चेक कर सकते हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन से इक्विपमेंट को चेक किया जा सकता है सीरीज लैम्प से, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो हम लोगों ने सीरीज लैम्प बनाया उसका सर्किट डायग्राम का भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग सर्किट को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। We'll be right back.